दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्यू। देखिएगा आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, आज उसके जो 6 स्थलों की खोज हुई उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। 6 स्थलों जैसे प्रारंभिक स्थल में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन को के दौरान 6 स्थलों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें यहाँ पर टेबल एक दिया हुआ है। टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा जो इसका जो खोज हुआ था 1921 के हुआ था। 1921 में एक उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर, रावी नदी कहाँ पड़ता है तो रावी नदी पाकिस्तान के जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान है, ठीक ना, पाकिस्तान के मांडगोमरी जिला। ये इसलिए क्योंकि ये मांडगोमरी जिला पंजाब में पड़ता है, और जब इसमें जो आज़ादी हुई थी उस समय आधा जो वहाँ का कुछ अभी जो देखेंगे उसके दौरान जो लाहौर जो पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है, इसीलिए मांडगोमरी जिला भी पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं पर रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज हुई थी। दूसरी स्थल जो प्राप्त होती है वो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। जब इसी के खोज के दौरान जब मोहनजोदड़ो मिला तो मोहनजोदड़ो का जो खोज करता है राखलदास बनर्जी को कहा गया है। ये जो मिला है सिंधु घाटी के नज़दीक मिला है, और ये लड़काना जिला इसीलिए सिंध प्रांत में पड़ता है, और ये पाकिस्तान में है। सिंध इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये नदी का नाम है, इसलिए सिंध एक जगह का नाम से भी जाना जाता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरी जो स्थलों की खोज हुई है चंदूहारो जो है इसकी जो प्राप्ति हुई थी 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इसके खोजकर्ता जो माना गया उत्खननकर्ता जिसको हम कहते हैं वो जे एन मजुमदार जो है ये सिंध, और वो कहाँ से तो कौन सिंध नदी के तट पर मिला हुआ है। सिंध नदी इसलिए कि सिंध नदी में दोनों को देख रहे हैं कि दोनों एक ही जैसा है। यहाँ पर सिंध ये भी पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, क्योंकि उसी के दौरान जो सिंध जो हुआ था उसी के जैसे इस तरह का खोज 1922 में हो रहा था, उसी समय सिंध में एक और जगह का नाम मिलता है वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक जे.एन. मजुमदार जी है वो चंदूहारो की खोज की थी। चौथी जो बात आती है लोथल जो इसका खोज हुआ था तो 1931 के दौरान जब एक खोज हो गया था तो 1953 में लोथल की खोज होती। 1953 से 1960 तक इसकी खोज चलते रहता है, और इसका खोज जो होता है ये खोज करने वाले रंगनाथ राव जी जो है ये कहाँ पर, तो ये भगवा नदी के तट पर ये स्थल की खोज होती है। ये पर कहाँ मिलता है तो ये गुजरात में जो लोथल गुजरात में पड़ता है। गुजरात कहाँ पड़ता है तो अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है। जो वर्तमान स्थिति इसकी बता रही है गुजरात बता रही है, जो गुजरात के अहमदाबाद में मिला है ये। दूसरे पश्चिमी स्थल इसका कालीबंगा। जब इसकी खोज 1960 में हो चुकी थी तब इसके जाकर इसका कालीबंगा का एक और खोजकर्ता उत्खननकर्ता आता है बीके थापर बीबीलाल कहा गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसी घग्गर नदी के तट पर जब ये खोज हो रहा था तो उसी समय एक साल बाद घग्गर नदी के तट पर, और ये कहाँ पर तो गंगानगर, जहाँ पर राजस्थान में जो वर्तमान हम लोग राजस्थान के नाम से जानते हैं, राजस्थान में एक गंगानगर है जहाँ पर ये कालीबंगा को मिला गया है, और इसकी जो खोज की है बीके थापर बीबीलाल की हैं जो घग्गर नदी के पास में मिलता है। छठी स्थल की बात है बनावली। बनावली का जो खोज हुआ था 1973 को, 1973 से 1974 तक इसकी खोज चलती है, मान कि इसकी उत्खनन कर के दौरान जो सब वस्तुएं जो मिली उससे ये पता चलता है इससे ये सब कितना पुराना है। ऐसे जो उत्खनन किए हैं वो आर एस विस्ट ये जो मिला गया है हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। इसकी जो नदी है इसी नदी किनारे नहीं ये स्थल मार के लिए, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, यहाँ कोई नदी का नाम हम लोग नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये स्थल जो खोज हुआ था ये कोई नदी के तट पर चाहे नदी के किनारे नहीं मिला था, ये स्थल का है। तो इतनी सारी देखने के बावजूद हमको पता चला है कि इतने 6 स्थलों की जो खोज हुई वो सभी कहाँ से थे, प्राचीन से हम लोग को मिला है। यहाँ के जो
लोग देख रहे थे यहाँ पर हड़प्पा, ऐसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया कि हड़प्पा जो था एक ऐसा ही मानी कि हड़प्पा इसीलिए कहा क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टि से वो बहुत दूर में फैला हुआ था, उसका क्षेत्रफल ही फैला हुआ था। तो ये भी हम देखते हैं कि हड़प्पा को इसीलिए हड़प्पा भी कहा जाता है। हड़प्पा ऐसे भारतीय प्राचीन स्थलों की जब खोज हुई तो हड़प्पा प्रारंभिक स्थल था जिसके दौरान जो भारत में इसमें आपको उसमें एक और जो विद्वान थे जिसको माने कि हाथ में सौंपा गया कि इसके इसकी माने विशेष अनुशंसा की और इसकी संस्थान की खोज किए करने के लिए, तो उसमें देखा कि जो वंशीगटन था माने सॉरी कनिंघम था, कनिंघम साहब को दिया गया कि अनुसंधान कीजिए कि हड़प्पा जो खोज हुआ आखिर हड़प्पा इतना बड़ी क्षेत्र में कैसे फैला हुआ है, और हड़प्पा जो इतना है फैला हुआ तो हड़प्पा के बारे में पूरी तरह से उसको अनुसंधान करने के लिए वो इसको नियुक्त किए गए, और इसी नियुक्ति के दौरान हड़प्पा को लगातार खोज करते गए और उसे पता चला। दूसरी जो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को एक मृतकों का टीला भी कहा गया है। मृतकों का टीला इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो मिला हुआ है देख रहे हैं कि वो कहाँ पर था लड़काना, वो क्या पाकिस्तान में, तो वो सिंध पर सिंधु इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो मृतकों का टीला इसीलिए क्योंकि जो मोहनजोदड़ो वहाँ पर बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे लोगों के मैंने कि कुछ कारणवश उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें हमको आगे जब खोज हुआ था तो उसमें देखे थे कि कुछ ब्राह्मण लोग थे जो इसमें ब्राह्मण पुजारी का सिर मिला था, कुछ ऐसे ऐसे वस्तुएं मिले थे उससे पता चलता है कि यहाँ पर मृत्यु का, और इसको एक सिंध का मोहनजोदड़ो में सिंध का बाग भी कहा गया है, जो सिंध का बाग कहा गया है। और तीसरी जो चंदोहरों, चंदोहरों से भी बहुत सारे स्थलों की प्राप्ति हो बहुत सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है। लोथल भी है, लोथल क्या है लोथल जो है गुजरात, लोथल गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है इसलिए गुजरात में बहुत सारे जैसे कि इसमें देखा गया कि चूड़ी और चूड़ी टाइप का और लिपस्टिक इस सब चीज़ का ज़्यादातर इसमें जिक्र किया गया है, और इसमें मिला भी है जो हम पर देखते हैं कि पुराना जो समय में जो लोग क्या होता जो वास्लु इसलिए पहनते थे उस टाइप का लोथल में प्राप्त हुआ है। उसके बाद थी कालीबंगा, कालीबंगा क्या था, कालीबंगा एक प्रमुख स्थलों के माने जो जहाँ से एक बाजार जो लगती थी जिसमें उस समय के जो विदेशी लोग आते थे जैसे कि हम कह सकते तुर्क अफगान अरबी ये लोग आते थे, तो यहाँ से क्या करते थे कि यहाँ से कुछ कपास पास और कुछ नील उल ले जाते थे। तो इसका जब कालीबंगा का हुआ तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ से कुछ विदेशी व्यापार का भी संबंध है, और तुर्क यूनानी लोग भी व्यापार करने के लिए यहाँ पर आते थे, उसका कुछ अंश मिला, तो इससे पता चलता है कि कालीबंगा में एक क्या था व्यापारिक स्थल के स्वरूप में जाना जाता है। बनावली, बनावली जो बनावली से एक बनावली से सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि बनावली एक ऐसा शहर के रूप में हम लोग देखते हैं, बनावली इसलिए शहर के रूप में क्योंकि बनावली से खिलौने की वस्तुएं मिली, जिसमें देखा गया इसमें जैसे कुछ हाथी का खिलौना, कुछ अवतल दर्पण का चक्की प्राप्त हो रहा है। तो इस सब चीज़ से पता चलता है कि बनावली जिसमें जो लोग रहते थे वो उस शहर के रूप में बनावली को फेश करते हैं, क्यों, क्योंकि शहर इसलिए क्योंकि जो चीज़ एक मार्केट में जैसे कि होता है कि हम लोग बाज़ार से कुछ चीज़ लाने के लिए जाते हैं, उसी तरह बनावली भी एक बाज़ार के स्वरूप में देखा गया जो कहाँ से पड़ता थे एक हिसार ज़िला जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ पर इसीलिए क्योंकि वहाँ पर देखा गया कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जैसे कि कुछ बर्तने हो सके या कुछ खिलौने हो सके किसी को गिफ्ट स्वरूप दे उसके स्वरूप के लिए लोग वहाँ बनावली शहर का रुख करते थे और वहाँ से ये सब चीज़ खरीद कर लेकर आते थे और अपने यूज के लिए भी सामान लेकर आते थे। ये था आपका प्रमुख स्थलों के, ठीक है, तो आपको इसके बारे में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।